हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आज हमने कम्युनिटी टैब पे बच्चों से पूछा था कि आपको स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आप किसी भी चीज़ पे कोई आंसर चाहते हो, कोई रिप्लाई चाहते हो, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो हमको भेजिए, और आज हम स्पेशल वीडियो में अपने सब्सक्राइबर को उनका आंसर देंगे, और ये वीडियो 5 बजे या उसके आसपास में आपको मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने कुछ पूछा है, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, तो आइए जल्दी जल्दी उनको रिप्लाई दे देते हैं। तो बच्चों, इन्होंने पूछा है, एक लोग ने कॉमर्स से रिलेटेड आप कुछ बोलो प्लीज़। तो देखिए, कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही वो आपको मिल जाएगा। तुषार जी, तो कॉमर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे पढ़ाई करें और अच्छे नंबर कैसे लाएँ, कौन से क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं। मलय कुमार जेना ने पूछा, नमस्ते सर, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाई करने के लिए, आप तो बहुत अच्छे से हम सब स्टूडेंट का गाइड करते हैं, हम सब सही तरीका में पढ़ाई करो, बस मुझे एक डाउट है कि मैंने कैसे रिवीजन बहुत अच्छे से करूँ। मतलब ये जानना चाह रही हैं कि मैं रिवीजन कैसे अच्छे से करूँ। तो देखिए, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसको ध्यान से बस मन में सोचिए, और ये देखिए कि क्या जो कुछ भी आपने पढ़ा था, क्या वो अभी भी आपको याद है, वो सारे पॉइंट्स याद हैं या उसमें से कुछ चीज़ें भूल गई हैं। होता क्या है, नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं तो सारी बातें हमको तो नहीं याद रह जाती, कुछ याद रह जाती हैं और कुछ जो फैक्ट्स होते हैं, कुछ जो पॉइंट्स होते हैं भूल जाते हैं। तो आपको उन्हीं पॉइंट्स को पहले तो हाईलाइट कर लेना है अपने आंसर में, और बार बार जब आप उसका रिवीजन करो तो उसको देखना है कि कहीं मैंने इस चीज़ को मिस तो नहीं किया, मैं भूली तो नहीं हूँ। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा एक तरीका यही है कि जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप ना भूलें, ये आपको चेक करना होता है। उसके बाद भी उन्होंने पूछा है, और एक बात सर, मैं बहुत लेट से कन्फर्मेशन पेज भेजती तो क्या मेरे एडमिट कार्ड आएंगे? बिल्कुल आएंगे लेट, और उसमें कोई लास्ट डेट था नहीं, तो अगर आपने भेज दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। रेणु चौधरी जी पूछ रहे हैं, सर इज NCERT बुक एक्सरसाइजेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और शुड आई प्रैक्टिस? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि NCERT टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या वो इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज वाले, या हमको लास्ट ईयर के पेपर्स को, 10 ईयर के पेपर को सॉल्व करना चाहिए CBSE के, विच वन इज़ बेटर? देखिए, हम किसी भी चीज़ को कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। कभी कभी तो एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल भी आप लगा लीजिए, एक्सरसाइजेस तो आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, और 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा तरीका कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनको लिखना कैसे है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पर बहुत फोकस करिए ठीक से। शुभांशु त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं, सर प्राइवेट कैंडिडेट को मार्कशीट कहाँ से मिलेगी? तो मार्कशीट आपके होम एड्रेस पे आएगी, जो एड्रेस आपने दिया होगा फॉर्म भरते टाइम। राहुल हंसदा जी पूछ रहे हैं, CBSE 12th में न्यू पैटर्न के आने से किस तरह से स्टडी की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए, पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है, तो अभी आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी है। आपको 2D पॉइंट पढ़ना है, कम लिखना है, और जो लिखना है सॉलिड लिखना है। तो बस यही करना है आपको कि जिस पैटर्न पे आपकी बार पेपर आ रहा है उस पैटर्न पे अपने सॉल्व पेपर्स बनाएं, खुद से बनाएं, जो भी नए सॉल्व पेपर्स मिले उसको देख करके टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपनी पढ़ाई करिए। सर, इंग्लिश में टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने हैं? आकाश कुमार जी, आकाश के जी पूछ रहे हैं। तो देखिए, ये तो कितने चैप्टर्स आ रहे हैं इसके लिए आपको करिकुलम देख लेना है, करिकुलम दिया हुआ है CBSE की वेबसाइट पर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात है तो आपने क्लास में ही बताया, नहीं तो मैं कुछ बता सकता था आपको कि कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अभी राव जी पूछ रहे हैं, सर हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर क्लास 12 कंपार्टमेंट? देखिए, कंपार्टमेंट हो या बोर्ड परीक्षा हो, कोई भी हो, तो बायोलॉजी की स्टडी के लिए हमने अभी जल्दी ही एक वीडियो बनाया था कि उसमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो उसको जाकर के देख लीजिए और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं, सर अगर आल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो नेक्स्ट कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम होगा लाइक JEE, तो उसमें इंप्रूवमेंट वाला रोल नंबर देना होगा या फर्स्ट अटेम्प्ट वाला? तो देखिए, अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला आपको रोल नंबर देना होगा, क्योंकि वही मान्य होता है, और जब आपके मार्क्स बढ़ करके आएंगे तो उसमें ऐड हो जाएंगे। सर, हाउ टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड विच बुक प्रिफर फॉर बोथ 12th NCERT और समथिंग एल्स?
देखिए, ट्वेल्थ की एनसीईआरटी को अगर आप दे रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं, अब हर एक आपने सब्जेक्ट नहीं बताया है तो मैं, अब हर सब्जेक्ट का तो अलग अलग होता है ना, तो राइटर्स अलग अलग होते हैं, पब्लिकेशंस की अलग अलग किताबें हैं, तो अगर आपने बताया होता तो मैं बता सकता था। हालांकि आप ट्वेल्थ में किसी भी सब्जेक्ट से हों तो एनसीईआरटी की किताबें तो बेस्ट हैं ही, उनके सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स आप लगा लीजिए, एग्जाम्पल बुक खरीद लीजिए, वो भी आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। उत्कर्ष गुप्ता जी पूछ रहे, सर मैंने कन्फर्मेशन पेज और मार्कशीट की फोटो कॉपी भेज दी है लेकिन पेमेंट स्लिप नहीं भेजा, अब क्या करना चाहिए? दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दूँ या बस स्लिप भेज दूँ या कुछ नहीं करूँ? देखिए, अब जो आपने भेज दिया और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको पेमेंट्स, उनको आपके कन्फर्मेशन पेज की ज़रूरत है और सारा रिकॉर्ड तो उनके पास में है ही, आप परेशान मत होइए। लेकिन फिर भी अगर आप अपने मन की संतुष्टि चाहते हैं तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उससे। फिर पूछ रहे हैं भूपेंद्र यादव जी कि सर इम्प्रूवमेंट सीबीएसई में नंबर कम भी हो सकता है क्या? देखिए, अगर आपने गलत पेपर किया है, आपका पेपर सही नहीं गया, तो नंबर कम हो सकता है और नंबर आपको कम मिल सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपके मार्कशीट पे आएंगे नहीं। अगर आपका नंबर ज़्यादा हुआ तभी वो आपके मार्कशीट पे शो करेगा। फिर बे इंतहा बादशाह जी पूछते हैं, सर प्लीज सजेस्टेनिटिव फॉर केमिस्ट्री कंपार्टमेंटल एग्जाम। देखिए, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाई करें, तो कंपार्टमेंट हो या बोर्ड परीक्षा हो, बस 2-3 दिन के अंदर आपको एक बढ़िया सा वीडियो इस पे मिल जाएगा कि केमिस्ट्री में आप अपनी पढ़ाई किस तरीके से करें, तो बस उसके लिए इंतजार करिए। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, पंकज वर्मा जी पूछ रहे हैं। सर अगर आप अपना एक शेड्यूल भेज पाते कि आप क्या कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में हो पढ़ाई आपको दिक्कत हो रही है, किस क्लास में हो, तो मैं बहुत अच्छे से आपकी मदद कर सकता था। तो अगर आप संभव हो तो सब्जेक्ट या अपने क्लास को बता दो और अपना थोड़ा सा शेड्यूल अगर हमको बताओ तो मैं बता सकता हूँ कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। वर्षा झा जी कह रहे, सर फंक्शंस आने वाले हैं जैसे दीपावली है, छठ है, तो इसमें स्टडीज बहुत डिस्टर्ब होंगी। बिल्कुल होंगी, जब त्यौहार आते हैं तो होना ही है, तो सर इस डिस्टर्बेंस से कैसे बचें जिससे कि स्टडी पे कोई इफेक्ट ना आए, प्लीज़ हेल्प सर। तो देखिए, जब भी त्यौहार आता है तो हर जगह पे डिस्टरबेंस होता है, घर में भी और हर जगह पे कुछ कार्यक्रम होने वाले होते हैं, तो प्रभाव तो उसका पड़ता ही है। और हम आपको इसके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, बस वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा आपको, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि त्यौहार आने वाला है, तो उसमें आप कम से कम पढ़ाई पे आपके इफेक्ट कैसे पड़े, तो देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि अपना एक सेपरेट रूम कहीं पे तलाश लें, सेपरेट प्लेस तलाश लें, और मम्मी पापा को या जो भी हैं उनको समझाएंगे तो वो तो समझ ही रहे हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके भाई बहन जो छोटे हैं उनको भी थोड़ा सा बताओ कि मुझे इतना टाइम कम से कम चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप उस टाइम पे पढ़ाई करोगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इंजॉय भी ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइफ की बोरिंग को दूर करता है, आपकी लाइफ बोरिंग नहीं होने पाती, बट ये पढ़ाई करते रहिए, उसमें जुटिए। हाँ, जब ज़रूरी हो बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट या मतलब ज़्यादा ऊब जाएँ तो थोड़ा सा बाहर निकल आएँ और कम से कम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके बाद तो आपको जितने त्यौहार होंगे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। और एक बहुत अच्छे से वीडियो का इंतजार करें, आपको जल्दी ही मिलने वाला है इस टॉपिक पे। भूपेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं, सर इम्प्रूवमेंट का प्रैक्टिकल होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा प्रैक्टिकल, इसके लिए निश्चिंत रहिए। विक्रांत रन बुडा जी पूछ रहे हैं, सर आई एम 10+2 मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट स्टूडेंट। सर मेरा सवाल है कि मैं ओनली एक सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करूँगा, 80 में से 80 कैसे लाऊंगा, तो सर ये बताइए। तो देखिए, अब ये मैथमेटिक्स की स्टडी पे निर्भर करता है, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या आपने कहीं किसी सब्जेक्ट में एडमिशन, मतलब किसी कोर्स में एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, आप खाली बैठे हो क्या हो? अगर आप ये बताते तो मैं आपकी थोड़ी अच्छी हेल्प कर पाता। फिर भी अगर आपको 80 अपॉन 80 चाहिए तो जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, करिकुलम में हैं, उनको ठीक से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद 80 आप 80 तो आपके आने ही आने, क्योंकि इस साल से पेपर भी थोड़ा सा इजी आने वाला है, और जब पेपर आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। संचित श्रीवास्तव जी पूछे, सर मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा है, रीजनल ऑफिस भेज दिया हूँ पर कोई मैसेज नहीं है। देखिए, मैसेज वगैरह कुछ नहीं आएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो और उसकी इंतजार भी ना करें, आपका एडमिट कार्ड अवश्य आएगा। जैकपॉट प्रोडिक्शन पूछ रहे हैं, सर मैथ्स का क्या सीन है कंपार्टमेंट में और प्रैक्टिकल का? देखिए, कोई सीन नहीं है, कंपार्टमेंट में हो प्रैक्टिकल नहीं होना है, और जो असेसमेंट वाले 20 मार्क्स हैं वो आपको प्रो डेटा बेसिस पे मिल जाएंगे। अब प्रो डेटा बेसिस क्या है, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। इसमें होता क्या है कि आपके मार्क्स जो 80 में हैं, जितने मैंने आपने 60 पाए तो आपको 60 मार्क्स मिले हैं, तो जितना परसेंट ये मिला है उतना ही परसेंट जोड़ करके आपको उसमें दे दिया जाएगा, और उतना शो होगा आपकी मार्कशीट में।
सर क्या ड्रॉप ईयर का कैरियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका एक साल बीच में छूट जाता है किसी भी वजह से, कोई भी कारण रहा हो, तो उसका कैरियर पे कोई प्रभाव? व्यक्तिगत तौर पे तो मैं बता सकता हूँ नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कई लोगों के साथ में होता है और हर एक इंटरव्यूअर या हर एक एचआर टीम ये जानती है कि आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई होंगी, तो हो सकता है आप अपने इस चीज़ को कंटिन्यू ना कर पाए हों, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी पढ़ाई कितनी है, डिग्री कौन सी है और आप में टैलेंट कितना है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वहाँ पे। और सौरभ महतो जी पूछे सर मिनिमम आवर्स वी शुड स्टडी टू गेट अगर 80%। देखिए हम घंटा तो निश्चित रूप से नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितनी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई की, आपका ध्यान कितना रहा, यही पे इम्पॉर्टेंट है। और दोस्त मैंने कभी घंटे नहीं गिने, जब आप मन लगा करके पढ़ाई करते हो तो घंटे इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका कितना परसेंट आपके समझ में आया। अगर वो 80% से ज़्यादा समझ में आ रहा है तो चाहे आधे घंटे में 80% से ज़्यादा समझ में आए, चाहे 3 घंटे में, आप 80% से ज़्यादा पाओगे। फिर भी कम से कम अगर आपकी हैबिट ख़राब ना हो, आप इधर उधर ना भटको, उसके लिए कम से कम ये मान करके चलो कि 6 घंटे की स्टडी आपको घर पे एटलीस्ट करनी ही करनी है। और इसमें अगर आप ढील दोगे तो थोड़ा सा आलस्य आ जाएगा, घूमने का मन करने लगेगा, इधर उधर बहकावा महकावे में मन आएगा। और इसके अलावा भी हमको दो सवाल ऐसे मिले थे, एक सवाल खास करके था, उन्होंने क्वेश्चन डिलीट किया हमको बताने के बाद कि सर मैं क्वेश्चन डिलीट कर रही हूँ, और चूँकि पब्लिकली वो नहीं बताना चाह रही थी और हमने भी कहा ठीक है, उनका क्वेश्चन इसी में आया था, इसी बीच में ही था। उन्होंने कहा था सर कि मेरा ब्रेकअप हो गया है मेरे बॉयफ्रेंड से और मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ अपनी। देखिए मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस क्लास में थी और उन्होंने बाद में मैसेज पे डिलीट कर दिया। देखिए अगर आप लोगों के साथ में ऐसी कोई बात होती भी है, जो भी है वो तो आपका पर्सनल है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, बट अगर ऐसा कुछ आपके साथ में होता है कहीं भी, तो एक बात का ध्यान रखिए कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसका आपके फ्यूचर पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए बेहतर यही है कि उसके बारे में सोचना बंद कर दें। जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे तो आगे की चीज़ों पे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, और जो चीज़ बीत चुकी है उसके लिए आप अपने आने वाले कल को बर्बाद कर लो तो ये काम ठीक नहीं है मेरे लिहाज से। और अभी भी आपके पास में जिस भी, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब ऐसा होगा कि आपको रिश्ते बनाने का भी मौका मिलेगा और रिश्ते तोड़ने भी पड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं और इन सारी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो जो हो चुका है उसको दरकिनार करिए, आपके पास टाइम कम है, अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे, आप उसी के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो निश्चित रूप से उस पर आपका उसका प्रभाव आप पे पड़ना है। तो आप भी अगर किसी इस तरीके के रिलेशन में हैं, लड़के हों या लड़की हों, तो उसको थोड़ा सा एक साइड में रखिए, उतना ज़्यादा महत्व मत दीजिए। चाहे आप अभी रिलेशन में हो या ब्रेकअप हो चुका है, अभी अपने करियर पे ध्यान दे दीजिए और बाद में उसके लिए आपके पास समय ही समय होगा। तो बच्चों इतना पूछा था आपने और जितना संभव हो पाया हमने आपको बताने की कोशिश करी है, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगली वीडियोज लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको कोई पढ़ाई में दिक्कत आती है तो डाउट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके इससे पढ़ाई आप कर सकते हो। और अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन पेज का बटन है, उसको भी ज्वाइन करके हमारे ऑफर्स का लाभ ले सकते हो बच्चों। तो फिलहाल मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।